ठाकुर द्वारा पुलिस चौकी के अधीन पड़ते गांव बरोटा में जिला नारकोटिक सेल की टीम ने गश्त के दौरान एक स्कूटी सवार को 3.24 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी देते हुए डीएसपी नूरपुर नवदीप सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि बरोट गांव में कुछ लोग हेरोइन बेचने का धंधा जोरों पर कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज देर शाम नारकोटिक सेल की टीम गठित करके ठाकुर द्वारा टू बरोटा रोड पर गश्त करने के निर्देश जारी किए। नारकोटिक की टीम जब बरोटा में गश्त कर रही थी तो इस दौरान एक स्कूटी सवार आदमी हिमाचल सीमा के साथ लगते पंजाब के गांव झंग की ओर आ रहा था। जब स्कूटी सवार आदमी बरोटा गांव के पास पहुंचा तो सामने गश्त कर रही पुलिस को देखकर स्कूटी वापस मोड़ने लगा। पुलिस ने उसकी भागने की कोशिश को नाकाम करते हुए ही उसे मौके पर दबोच लिया। स्कूटी की डिग्गी की तलाशी करने पर डिग्गी में रखे टूल बैग में से एक प्लास्टिक का छोटा पाउच बरामद हुआ, जिसमें भूरे रंग का पदार्थ पाया गया। पदार्थ तोलने पर उसकी मात्रा 3.24 ग्राम पाई गई। आरोपी की पहचान बलदेव पुत्र रामलाल निवासी टांडा उडमल जिला होशियारपुर पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने स्कूटी और चिट्टे को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार करके आरोपी के खिलाफ पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस उक्त आरोपी से ये पूछताछ कर रही है कि ये पंजाब से हेरोइन लाकर हिमाचल के गांव में किसको बेचता था। एसपी ने कहा कि मंड क्षेत्र में नशे के कारोबारियों पर पुलिस की धरपकड़ जारी रहेगी। टीम जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, उसने नाका लगाया हुआ था और रोटा के पास जो है वो जंग की ओर से एक स्कूटी पर आ रहा, अप्लाइड पार स्कूटी पर। जब उसकी स्कूटी की डिग्गी को चेक किया तो उसके अंदर जो है चिट्टा मिला है और उसको जो है हमने गिरफ्तार किया। आगामी तफ्तीश जो है वो अमल में ला रहे हैं और इससे पूछताछ भी की जा रही है कि ये कहाँ से लाया है और जहाँ कैसे आया। पंजाब का रहने वाला है, बलदेव नाम का ये व्यक्ति है, उड़मू टांडा का रहने वाला है और जल्द ही इससे जो है पूछताछ करके ये पता लगाया जाएगा कि ये चिट्टा कहाँ से लाता है और कहाँ बेचता है और कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अपराधी जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एन स्टार न्यूज़ के लिए कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।